रेल यात्रियों के सुलभ, सरल और सुरक्षित यात्रा के लिए शनिवार को रेलवे सुरक्षा बल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों व ट्रेनों में सघन अभियान चलाया गया। रेलवे स्टेशन स्थित रेलवे सुरक्षा पोस्ट के प्रभारी निरीक्षक रणजीत सिंह के नेतृत्व में चलाए गए सघन अभियान में ट्रेनों में यात्रा कर रहे संदिग्ध व्यक्तियों व वस्तुओं की चेकिंग की गई। फिलहाल पुलिस को कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। इस संबंध में RPF इंस्पेक्टर रणजीत ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिससे यात्री निश्चित होकर अपनी यात्रा कर सकें। उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान कोई भी व्यक्ति और वस्तु संदिग्ध अवस्था में नहीं मिली है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रेलवे सुरक्षा बल के इंस्पेक्टर रणजीत सिंह ने बताया। देखिए, ये उच्चाधिकारियों का निर्देश था कि रेलवे परिसर में और ट्रेनों में आने व जाने वाले लोगों को सघन चेकिंग की जाए, और उसमें कुछ लोग अनाधिकृत रूप से यात्रा करें या उसके बहाने कोई और संदिग्ध व्यक्ति अंदर आए, उसकी छानबीन और धरपकड़ के लिए ये अभियान चलाया गया था। उसमें साथ में वाणिज्य के लोग भी थे, कमर्शियल के TT स्टाफ और अन्य लोग शामिल थे इसमें। नहीं, कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु नहीं मिला है। कुछ लोग बिना टिकट थे, उनको चालान जुर्माना मौके पर ही वसूल कर लिया गया था।